नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेके आई हूँ वो आपके चेहरे का कालापन, चेहरे की झुर्रियाँ और चेहरे के दाग धब्बे को खत्म करने का उपाय। आज के युग में गोरा रंग पाना हर व्यक्ति चाहता है। हम अपने चेहरे को आकर्षित बनाने के लिए कई प्रकार के बाजार में उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, किंतु इन सभी के बाद भी जब हमारे सामने परिणाम नहीं आते तो हम काफी निराश हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के चेहरे को गोरा और चमकदार बना देगा। आइए जानते हैं वह कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसको अपनाने से आप एक चमकदार और खूबसूरत त्वचा प्राप्त कर सकते हैं, और इन घरेलू उपायों से आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे आलू। दोस्तों आलू को हम धोकर साफ कर लेंगे। फिर दोस्तों इसको हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के बाद हम इसे छलनी की मदद से छानकर इसका रस निकाल लेंगे, जो कि दोस्तों रस निकल के हमारा तैयार है। अब इसमें हम 4 चम्मच के बराबर आलू का रस ऐड करेंगे। दोस्तों चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियों को मिटाता है। कच्चे आलू का रस त्वचा के खुले पोर्स को बंद करता है, जिससे त्वचा में खसाव आता है। यह मुहासे एजिंग की समस्या को कालेपन से छुटकारा दिलाता है। इसमें मौजूद स्टार्च एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। दोस्तों अब इसके बाद हम अगली चीज लेंगे, वो है नींबू। दोस्तों हम इसमें आधा कटा हुआ नींबू लेंगे और पूरा ऐड कर देंगे। दोस्तों मैंने नींबू यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि नींबू के रस में भरपूर मात्रा में अम्ल और प्राकृतिक शुगर होता है। नींबू के रस में कई फायदेमंद पोषक तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा व शरीर को कई लाभ देते हैं। इसको हम बाहरी सुंदरता के साथ साथ कई शारीरिक फायदों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के प्राकृतिक अम्ल बहुत ही सरल तरीके से मृत कोशिकाओं को निकालने का काम करते हैं। उम्र के साथ होने वाली झुर्रियों को कम करता है, अनचाहे धब्बों को कम करता है और चेहरे पर होने वाली सभी बीमारियों को खत्म करता है। इसमें मौजूद अम्ल तेल को सोख लेता है तथा छेदरों को बंद कर देता है। अब इसके बाद हम अगली चीज लेंगे, वो है दोस्तों मुल्तानी मिट्टी। हम इसमें 1 चम्मच के बराबर मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। दोस्तों मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। मुल्तानी मिट्टी से हमारे चेहरे के जितने भी दाग धब्बे और पिंपल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारे चेहरे का गोरापन निकल आता है। अब इसके बाद हम अगली चीज लेंगे, वो है शहद। दोस्तों हम इसमें 1 चम्मच के अलावा शहद ऐड करेंगे। दोस्तों शहद से हमारे चेहरे के जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। अब हम चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छे से मिक्स होके तैयार है। अब इसे जो लगाने का तरीका है वो ये है, आप सबसे पहले इस तरीके से अपनी उंगलियों पर लेकर इस तरीके से अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लें। दोस्तों जिस तरीके से आप फेस पैक का यूज करते हैं ठीक उसी तरीके से आपको इसे लगाकर रख लेना है। फिर दोस्तों 10 मिनट तक के लिए आपको ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आपको सादा पानी से अपने फेस को धोकर साफ कर लेना है। दोस्तों आप इस नुस्खे को कम से कम हफ्ते में 2 बार यूज करें। 2 बार के इस्तेमाल से आपका चेहरा काफी ज्यादा गोरा, चमकदार और सुंदर बनेगा, साथ ही साथ आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे और झुर्रियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए फिर लाऊंगी अच्छा सा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।